अगर हमारे इस भारत देश के लिए अगर वो देश दीवाने अपनी कुर्बानी ना देते तो ये वतन आजाद ना होता। आइए कैसे कैसे देश दीवाने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए और किस तरह से अपनी माओ को समझा गए वो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। माँ चिंता मत करना, आगे आने वाला भविष्य फ्यूचर कैसा होगा, आइए सुनिएगा वाक्य वाला रागड़ी के द्वारा। श्रोताओं कहा जाता है, कुछ श्रोताओं का मानना है कि ये भारत देश आजाद हुआ तो उस आजादी के पीछे गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि मैं सम्मान करती हूँ उन गांधी जी की सीखों का। अरे मैं सम्मान करती हूँ गांधी जी की सीखों का, लेकिन हमारे सर के ऊपर कर्जा है उस भगत सिंह की सीखों का। श्रोताओं अगर हंसते हंसते फांसी के फंदे को ना चूमते तो आज हम यहाँ इतना बड़ा सेलिब्रेशन ना कर रहे हुए होते, किसी अंग्रेज की चाकरी कर रहे हुए होते। वो भगत सिंह कहते हैं माँ, अरे राज गुरु ओ सुखदेव भगत सिंह, ओ माँ लेंगे जन्म दोबारा। और कहा भी जाता है माँ कि ना फांसी अंत हमारा, ओ ना फांसी अंत हमारा। कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और सदियों की कुर्बानी को कभी गुलाम नहीं होने देंगे। और जब तक है इस शरीर में एक बूंद भी लहू की, ये कसम खाते हैं कि इस भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। और क्या कहने लगे कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा, ना फांसी अंत जी।
गीता ज्ञान नहीं होता, नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता, और चाहे कितने भी गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता, नहीं होता। वो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह अपनी माँ को समझाने लगे, माँ आज तो दिल पे पत्थर रख ले और हंसते हंसते आशीर्वाद दे दे। उस बनाने वाले ने हम सभी को एक ही जगह से बना के भेजा, लेकिन हम ही ने भेदभाव करना शुरू कर दिया। आजादी की, हाँ आजादी की नहीं बुझेगी लगा आज हम आग रहे, आजादी की नहीं बुझेगी लगा आज हम आग रहे। अंग्रेजों अंग्रेजों भारत छोड़ो अब भारतवासी जाग रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो अब भारतवासी जाग रहे। और कि मिट जाएगा बच्चा बच्चा, मिट जाएगा बच्चा, माने हमें पुकारा ना फांसी, पाकिस्तानी ले जाते हैं। और किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कह दी श्रोताओं कि यूं तो शेरों की माद में आकर के, कि यूं तो शेरों की माद में आकर के गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की, और अगर अफजल को टांग दिया होता लाल किले के ऊपर तो फिर किसी कसाब की हिम्मत नहीं होती इस भारत देश में आने की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बड़े आराम से मेहमान नवाजी करते हैं, तब जाके उनको कोई ऑर्डर पास किया जाता है। जिस भारत देश के अंदर, जिस भारत देश का जवान बॉर्डर के ऊपर रक्षा करता हो, कश्मीर के अंदर उसको थप्पड़ों से पीटा जाता है। एक बैरक का वीडियो वायरल हुआ था इंटरनेट पे, सभी ने देखा हुआ होगा। आइए श्रोताओं, आखिरी बात के अंदर वो देश दीवाने कैसे कुर्बान हो गए, सुनिएगा आखिरी बात के अंदर। देश में हाहाकार मचा था
हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद करे कि साडे भारत देश के अंदर कोई भगत सिंह जैसा शेर पैदा हुआ था। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।